ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ट्रांजिस्टर जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है, मल्टी स्टेज का ओवरऑल गेन क्या होगा वो सब देखिए। अब क्या करना है कि मल्टी स्टेज हम लोग कैसे बनाते हैं, दो या दो से अधिक जो एम्पलीफायर रहता है उसको कनेक्ट करते हैं आपस में। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वो कनेक्शन कैसे करते हैं, एक स्टेज का आउटपुट दूसरे स्टेज के इनपुट में कैसे डालते हैं। ठीक है, तो ये मॉड्यूल 2 का हमारे पास दो सब टॉपिक था, एक तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स था जो कि हम लोग कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे कपलिंग स्कीम इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे थोड़ा बहुत कि क्यों कपलिंग पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, और तीन टाइप का कपलिंग पढ़ना है हम लोगों को, आरसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग और डायरेक्ट कपलिंग। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स में भी आता है और अलग से जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है उसमें भी आ सकता है। तो रिकैप अगर करेंगे तो हम लोग गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़े, ओवरऑल गेन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल गेन। प्रोडक्ट कब होगा, जब एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। अगर इंडिविजुअल एम्पलीफायर का गेन डीबी में दिया हुआ है तो फिर ओवरऑल गेन हम लोग ऐड करके निकालेंगे। हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखे, बैंडविड्थ देखे, और लॉग और एंटी लॉग का जो कन्वर्जन होता है वो तो हम लोग बहुत दो तीन लेक्चर में देख चुके हैं, तो ये अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कपलिंग हम लोग क्यों करते हैं, सबसे पहला तो यही है कि कपलिंग क्यों करेंगे। तो फर्स्ट है टू ट्रांसफर एसी आउटपुट ऑफ वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज। अब ये एसी आउटपुट क्यों बोले, ट्रांजिस्टर में हम लोग देखिए कि दो टाइप का करंट होता है, एक डीसी करंट एक एसी करंट। डीसी करंट किस लिए होता है, जो बायस वोल्टेज हम लोग लगाते हैं उसके कारण। लेकिन हम लोग ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हैं, तो कौन से सिग्नल को वो एम्पलीफाई करेगा, एसी सिग्नल को। हमको डीसी से मतलब नहीं है, डीसी सिग्नल का काम बस यही है, वो डीसी सिग्नल के ही कारण बेसिकली एसी जो होता है वो एम्पलीफाई होता है। ये चीज हम लोग देख चुके हैं, अगर हम लोग जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो ये है और ये 2 वोल्ट का है, तो हमारा ट्रांजिस्टर में ये एम्पलीफाई होकर के हमको कैसा दिखता है, ये मान लो 5 है और ये 7 हो जाएगा। ये जो 2 वोल्ट है वो तो 2 वोल्ट ही रहता है, लेकिन एम्पलीफिकेशन किस तरीके से होता है कि ये पूरा सिग्नल को समझ लो कि हम लोग ये 5 वोल्ट से ऊपर कर देते हैं, और ये 5 वोल्ट से ऊपर किस कारण से होता है, तो वो जो डीसी कंपोनेंट होता है ट्रांजिस्टर में उसके कारण। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह यूज हम लोग करते हैं तो उसमें एम्पलीफिकेशन होता किस चीज से है, जो डीसी कंपोनेंट होता है उससे। लेकिन हमको मतलब क्या चीज से है, ये एसी सिग्नल से। ठीक है, एम्पलीफायर मीन्स क्या होता है, शेप से जो भी शेप रहता है उसका सेम रहना चाहिए, लेकिन जो एम्पलीट्यूड होता है वो बूस्ट हो जाना चाहिए, वो बढ़ जाना चाहिए। तो वही यहाँ पे हो रहा है, शेप वही है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। ठीक है, तो जो आउटपुट हम लोग को चाहिए ट्रांजिस्टर सर्किट से, वो हम लोग को सिर्फ एसी आउटपुट से मतलब है, डीसी से नहीं। और हम लोग चाहते भी नहीं है कि डीसी दूसरे स्टेज में जाए। ठीक है, उस क्यों नहीं जाए तो वो भी देखेंगे। तो पहला जो पर्पस होता है कपलिंग का, वो होता है टू ट्रांसफर एसी आउटपुट ऑफ वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज। दो स्टेज कनेक्टेड है तो इसका जो आउटपुट होगा वो इसके इनपुट में जाने के लिए क्या यहाँ बीच में ऐसा सर्किट लगाना होगा, वही होता है कपलिंग। ठीक है, ये बहुत ही सिमिलर है, ट्रेन का बॉगी है हमारे पास, दो बॉगी है, तुम लोग देखे होगे यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ कपलिंग होता है, ऐसे करके लगा हुआ रहता है। तो ये कपलिंग मैकेनिज्म है कि दो बॉगी जो है वो कनेक्टेड रहे। ठीक है, सेकंड क्या है, पहला तो हो गया ट्रांसफर करने के लिए, दूसरा हो गया टू आइसोलेट डीसी कंडीशंस ऑफ वन स्टेज फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज। डीसी कंडीशंस मतलब कैपिटल आईसी, आईबी, वीसीई, ये सारा कंडीशंस। आइसोलेट मतलब अलग करना, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो दो स्टेज है एम्पलीफायर का, तो इस स्टेज का जो भी डीसी कंडीशन है वो ऐसा नहीं कि कपलिंग के थ्रू दूसरे स्टेज में आ जाए, इसका डीसी कंडीशन अलग रहना चाहिए, इसका डीसी कंडीशन सेपरेट रहना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ डीसी कंडीशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज बायसिंग कंडीशन विल बी चेंज्ड एंड रीजन ऑफ ऑपरेशन वो भी चेंज हो जाएगा, क्या चीज में रिजल्ट करेगा, डिस्टॉर्शन। ये हम इसमें बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ये समझ में आ गया कि फिर से हमको इसको दोहराना पड़ेगा। हर स्टेज का अपना डीसी कंडीशन होता है, जैसे कि आईसी वीसी हम लोग पढ़े थे, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, आईसी और वीसीई का वैल्यू। ठीक है, और इसी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो क्यू पॉइंट है वो कहाँ पे है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह बिहेव करे तो उसका क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन में होना चाहिए, एम्पलीफायर के लिए
हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसको एक्टिव रीजन में ऑपरेट करना है। तो एक्टिव रीजन मान लो कि मेरा ये कैरेक्टरिस्टिक है, क्यू पॉइंट अभी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है सैचुरेशन रीजन। तो यहाँ पे क्यू पॉइंट है, ये एक पर्टिकुलर वी सी वैल्यू है, ये पर्टिकुलर आई सी वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन मान लो सेकेंड वाले स्टेज का भी है, लेकिन जब हम कपलिंग किए तो एसी आउटपुट के साथ साथ इसका जो डीसी करंट आउटपुट था, कलेक्टर करंट दो होगा, एक एसी कलेक्टर करंट एक डीसी कलेक्टर करंट, तो जो डीसी वाला कलेक्टर करंट था वो भी इधर आ गया सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में आ गया तो अब क्या होगा, आईसी चेंज हो जाएगा, ठीक है, आईसी भी चेंज हो जाएगा, वीसी भी चेंज हो जाएगा। अब मान लो ये क्यू पॉइंट यहाँ चला गया, आईसी बढ़ गया मान लो, क्योंकि यहाँ से डीसी आईसी, ये जो डीसी करंट था वो अगर कपलिंग के थ्रू सेकंड स्टेज में आ गया तो आईसी बढ़ जाएगा, आईसी बढ़ के मान लो यहाँ आ गया तो क्या हो गया, क्यू पॉइंट चेंज हो गया। लेकिन मेरा जो ट्रांजिस्टर हम यूज कर रहे हैं इसका तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो भी बेस करंट हम लोग दे रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक ये है, तो अभी क्यू पॉइंट इसके बाहर चला गया तो मेरा ट्रांजिस्टर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका बायस जो कंडीशन है वो तो चेंज हो गया। तो इसीलिए कोई भी जो डीसी कंपोनेंट होता है वो किसी भी ट्रांजिस्टर का बायस जो कंडीशन होता है उसको चेंज कर देगा। हम लोग देखे भी हैं कि बायसिंग में हम लोग कोई भी एसी चीज नहीं लेते हैं, सारा कुछ डीसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को जितना भी स्टेज है, अगर मल्टी स्टेज है, दो से ज्यादा स्टेज एम्पलीफायर का, तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि किसी भी एक स्टेज का जो भी डीसी कंडीशन है वो दूसरे स्टेज तक ट्रांसफर नहीं हो, क्योंकि एसी किसी का बायसिंग चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर डीसी चला गया तो वो उस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर का बायसिंग चेंज कर देगा। बायसिंग चेंज कर देगा तो हो सकता है क्यू पॉइंट यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में रहता है तो ये एम्पलीफायर की तरह बिहेव नहीं करेगा। सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर जब ऑपरेट करता है तो वो किसके तरह बिहेव करता है, एक ऑन स्विच की तरह, तो हमारा सर्किट फेल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए बायसिंग कंडीशन चेंज नहीं हो, रीजन ऑफ ऑपरेशन चेंज नहीं हो, हमको डिस्टॉर्शन नहीं मिले, इसके लिए क्या जरूरी है कि हम लोगों को हर स्टेज का जो डीसी कंडीशन है उसको आइसोलेट रखना होगा। आगे समझ में, तो ये हमारा वीबीई के रिस्पेक्ट में है, जो 0.7 और 0.51 ये सब बता रहे थे, तो ये सारा कुछ लास्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं। तो अब टाइप ऑफ कपलिंग क्या होता है कि किस तरीके से हम लोग दो स्टेज को कनेक्ट करेंगे, वो चार तरीके का है। आरसी कपलिंग मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटर कपलिंग, दूसरा है ट्रांसफार्मर कपलिंग, तीसरा डायरेक्ट कपलिंग और चौथा है इम्पीडेंस कपलिंग। तो इम्पीडेंस कपलिंग हम लोग के सिलेबस में अभी नहीं पढ़ना है, हम लोगों को ये तीन पढ़ना है, ठीक है। तो पहला अगर हम लोग देखते हैं आरसी कपलिंग, मतलब आरसी मींस, आर मींस रेजिस्टेंस, सी मींस कैपेसिटेंस, मतलब कपलिंग हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं, रेजिस्टर प्लस कैपेसिटर की मदद से, ठीक है। तो इन आरसी कपलिंग अ कैपेसिटर इज यूज्ड एज अ कपलिंग डिवाइस, ठीक है, कपल करने के लिए हम लोग एक कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। द कैपेसिटर कनेक्ट्स द आउटपुट ऑफ वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज टू पास द एसी सिग्नल व्हाइल ब्लॉकिंग द डीसी बायस वोल्टेज। ये चीज हम लास्ट क्लास में बताए थे कि याद कैसे रखना है कि कैपेसिटर एसी को पास करेगा या डीसी को। इसका आसान तरीका क्या था, कैपेसिटर ऐसा दिखता है, डीसी स्ट्रेट रहता है। अब तुम स्ट्रेट आओगे तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, नहीं जा पाओगे आगे। लेकिन एसी कैसा रहता है, ऐसा, तो एसी आएगा ऐसे जंप करके चला जाएगा। तो हमेशा जो कैपेसिटर रहता है उसे एसी पास होता है, डीसी पास नहीं होता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, हम लोग को तो यही चाहिए कि मेरे पास एक स्टेज है, दूसरे स्टेज को कपल करना है, तो दूसरे स्टेज में क्या चाहिए, डीसी नहीं जाना चाहिए लेकिन एसी जाए, तो हम बीच में कैपेसिटर लगा देंगे। ये कैपेसिटर क्या करेगा, इस ट्रांजिस्टर का जो भी डीसी कंडीशन है उसको आगे नहीं जाने देगा, लेकिन हाँ जो एसी सिग्नल मिल रहा है वो आराम से आगे चला जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है अभी यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। अब देखो, अब पता चल रहा है क्यों हम उतना ट्रांजिस्टर में पढ़ाए, क्योंकि अगर नहीं पढ़ाते और डायरेक्ट ये सर्किट देते हैं तो तुम लोग डर जाते हैं। अभी क्या है, इस सर्किट में क्या लग रहा है, इतना दूर तक ये वाला पोर्शन मेरा एक ट्रांजिस्टर है, ये पोर्शन दूसरा ट्रांजिस्टर है, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर बायस में बताए थे, ट्रांजिस्टर है, ये बेस है, ये कलेक्टर, ये एमिटर। तो बेस में बताए थे दो रेजिस्टर लगाते हैं, R1 R2 वोल्टेज डिवाइडिंग के लिए। ये कनेक्टेड किससे रहता है, VCC से, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा सर्किट में दो पावर सप्लाई नहीं रहे, सिर्फ एक ही रहे। तो ये इतना दूर का जो सर्किट है वो तो पूरा सेम है जो कि हम लोग पढ़े हैं वोल्टेज डिवाइडर में। सेम सर्किट को यहाँ पे भी बनाया गया है, ये दूसरा ट्रांजिस्टर है,
तो हो गया एक ट्रांजिस्टर, दूसरा ट्रांजिस्टर, और कनेक्ट क्या चीज से है, ये दोनों क्या चीज से कनेक्टेड है, ये वाले कैपेसिटर से। ठीक है, तो सर्किट बहुत ही सिंपल है। अगर लग रहा है कि कैसे याद रखेंगे, तो इसमें याद रखने वाला जैसा कुछ नहीं है। एक ट्रांजिस्टर है जिसमें कि कलेक्टर में RC रहेगा, एमिटर में RE रहेगा, बेस पे वोल्टेज डिवाइडर रहेगा, क्योंकि इसका जो बायसिंग मेथड हम लोग यूज किए हैं वो वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड यूज किए हैं। ऐसा ही दो बनाना है, दोनों को कनेक्ट क्या चीज से करना है, कपलिंग कैपेसिटर से। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। अब बच गया एक इनपुट देना, एक आउटपुट लेना बस। ठीक है, तो सर्किट में ऐसा कुछ नहीं है। किसी को सर्किट समझने में प्रॉब्लम है, सर्किट बनाने में बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा क्या क्या है सर्किट में, ये सी इन सी ई सी सी, बस इतना ही चीज एक्स्ट्रा है जिसका कि हम लोगों को देखना है कि हम लोग क्यों लगाए। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है लिखने के लिए रेजिस्टेंस या RC कपलिंग के बारे में, तो क्या करना है, ये डायग्राम बनाओगे। RC कपलिंग में क्या होगा, नाम से ही क्या पता चल रहा है कि ऐसा एम्पलीफायर या ऐसा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जिसमें कि दो स्टेज कैसे कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर के द्वारा। ठीक है, दो स्टेज में कपलिंग जो डिवाइस है वो एक कैपेसिटर है, जो कि हम लोग ये देख रहे हैं। तो अभी इसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, टू स्टेज एम्पलीफायर सर्किट हैज टू ट्रांजिस्टर्स इन सी कॉन्फ़िगरेशन एंड अ कॉमन पावर सप्लाई VCC। मतलब मेरे पास दो ट्रांजिस्टर है, ये कॉमन एमिटर है, क्योंकि ये एरो वाला साइड एमिटर है, और एमिटर देखो बेस के साथ भी है और कलेक्टर के भी साथ, तो ये दोनों ही ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है। और सप्लाई क्या है, हमको इसको भी VCC देना पड़ता है, यहाँ पे भी VCC देना होता, तो हम दोनों को एक ही साथ VCC दे दिए। दो VCC देने का क्या फायदा, इसलिए हम ये जो चारों टर्मिनल है वो VCC से कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, R1 R2 फॉर्म्स द पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क। ये हम लोग बायस मेथड में देख लिए कि R1 R2 पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क फॉर्म करता है, ताकि यहाँ पे ये जो VCC है ये इसका पोटेंशियल डिवाइड होकर के यहाँ पे ये इनपुट जाए। RE फॉर्म द बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन नेटवर्क, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे कि RE इसके ये बायसिंग स्टेबलाइजेशन नेटवर्क का क्या मतलब होता है, और RL जो है वो लोड इम्पीडेंस है, तो RL यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये कैपेसिटर का क्या काम है। जहां पे भी कैपेसिटर आए, तो सबसे पहला चीज जो देखना है वो ये देखना है कि कैपेसिटर कभी भी DC को आगे नहीं भेजेगा, DC को रोक देगा, AC को आगे भेजेगा। सबसे पहला एकदम इसका इम्पोर्टेंट रोल यही होता है कैपेसिटर का। तो हम लोग क्या किए, बेस है ये, इस पे इनपुट देना है, इनपुट सिग्नल AC सिग्नल है, लेकिन इनपुट देने के पहले हम लोग एक कैपेसिटर लगा दिए। क्यों, इसका दो कारण हो सकता है। सबसे पहला तो वही AC DC, AC सिग्नल है, मान लो गलती से AC सिग्नल में कुछ DC कंपोनेंट हो, और अगर उसको हम डायरेक्ट बेस में दे रहे हैं, तो वो DC कंपोनेंट क्या करेगा, इसका बायसिंग चेंज कर देगा, ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज कर देगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, जो भी हम लोग सिग्नल दे रहे हैं, अगर उसमें गलती से भी कोई DC कंपोनेंट रह गया है, तो वो कैपेसिटर उस DC को ब्लॉक कर देगा और AC को आगे भेजेगा। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है कि अगर ये सी इन नहीं होता, ये जो मेरा इनपुट कैपेसिटर है वो नहीं होता, तब क्या होता, अगर ये AC सिग्नल मान लो +5 वोल्ट का हम लोग दे रहे हैं, तो ये वोल्टेज सोर्स इसके पैरेलल हो जाता R2 के। अगर ये सी इन नहीं रहता, ये शॉर्ट सर्किट ऐसे रहता, यहाँ पे हम लोग सिग्नल देते इसके बीच में, ठीक है, तो अभी क्या होता है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कुछ ड्रॉप है, R2 के अक्रॉस मान लो V2 है, और ये हम लोग +5 वोल्ट दे रहे हैं, तो अभी क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में आ गया, ये जो दो ब्रांच है वो दोनों पैरेलल में आ गया, तो अब मेरे बेस में क्या होगा, पैरेलल ऑफ ये +5 वोल्ट और V2 का वोल्टेज जाएगा। पहले मेरा था V2 जिसके हिसाब से मेरा बायसिंग कंडीशन सेट है, लेकिन अगर ये इनपुट कैपेसिटर हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो इनपुट कैपेसिटर नहीं लगाने से क्या होगा कि ये जो वोल्टेज अक्रॉस R2 है और ये वाला जो ब्रांच है जहाँ पे हम लोग सिग्नल दे रहे हैं, वो दोनों पैरेलल में आ जाएगा। पैरेलल में आने से वोल्टेज चेंज हो जाएगा इनपुट में, तो जब इनपुट का ही वोल्टेज चेंज हो गया, तो फिर से बायसिंग कंडीशन चेंज हो जाएगा। तो किसी भी हाल में हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारे ट्रांजिस्टर का बायसिंग वोल्टेज चेंज हो। ठीक है, आया ये समझ में, सी इन क्यों यूज किए। बताओ, यस समझ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो कैपेसिटर है वो है एमिटर
ठीक है, इसको कहते हैं बाईपास कैपेसिटर। बाईपास मतलब क्या होता है, बाईपास रोड भी सुने हो, बाईपास सर्जरी भी सुने हो, तो वो क्या होता है? बाईपास मीन्स जब कोई एक रास्ता काम नहीं कर रहा हो तो दूसरा रास्ता को खोल देते हैं, मतलब बाईपास। बाईपास जो सर्जरी होता है, हार्ट सर्जरी होता है, उसमें क्या होता है, अगर हार्ट का कोई एक पर्टिकुलर आर्टरी जो ब्लॉक हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका दूसरा आर्टरी के क्रॉस उसको वेन्स को, इसको आर्टरी को खोल देते हैं ताकि ब्लड फ्लो जो है वो होते रहे। तो यहाँ पे भी बाईपास मतलब क्या है, ये जो करंट आएगा, करंट का एक रास्ता तो ये है, लेकिन दूसरा रास्ता क्या करेंगे, ये वाला। तो तुम दूसरा रास्ता कब लेते हो, जब तुमको आसान दिखता है तभी लेते हो। कहीं जा रहे हो, अगर तुमको लगेगा नहीं वो शॉर्टकट वाला रास्ता है, वो आसान है, तो तुम अपना रास्ता चेंज कर लोगे, तो उसको कहेंगे बाईपास करना। तो यहाँ पे भी यही होता है, ये जो करंट आता है ये बाईपास कर जाता है, बजाय आरी के अक्रॉस जाने के ये इधर से आता है। क्यों? क्योंकि इधर से जो भी करंट आएगा देखेगा अरे यहाँ तो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस तो अपोज करता है करंट को, तो उसको मन नहीं करेगा इधर से जाने का, वो क्या करेगा अपना रास्ता चेंज कर लेगा, देखेगा कि अरे यहाँ तो सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ है और हम तो हैं एसी, एसी को तो जाने देगा कैपेसिटर, तो वो इस रास्ते से चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों इसको बोले बाईपास कैपेसिटर? क्योंकि यहाँ से जो भी करंट आएगा, करंट का नेचर होता है कि वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ लेता है, और करंट का क्या, हम लोग का भी नेचर होता है कि जो चीज इजी है हम लोग वही करना चाहते हैं। तो करंट को कहाँ पे इजी लगेगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे तो आरी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है इस रास्ते में, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ कैपेसिटर है, और कैपेसिटर क्या करेगा, अगर देखेगा कि एसी आ रहा है तो ये एक तरह से गेट की तरह हुआ, एसी के लिए गेट खुल जाएगा, डीसी के लिए नहीं खुलेगा। तो अभी क्या होगा, एसी करंट को कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देखना पड़ेगा, वो आराम से इधर से फ्लो कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं एमिटर बाईपास कैपेसिटर। एमिटर बाईपास क्यों? क्योंकि ये ऐसा कैपेसिटर है जो कि बाईपास करता है, और कहाँ पे कनेक्टेड है, एमिटर पे। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कनेक्टेड इन पैरेलल टू आरी, ये पैरेलल में कनेक्टेड है आरी के। ठीक है, इट ऑफर्स अ लो रिएक्टेंस पाथ। रिएक्टेंस क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर है, इसलिए ये रेजिस्टेंस रिएक्टेंस हम बता चुके हैं, कैपेसिटर है इसीलिए रिएक्टेंस टर्म लिखे। इट ऑफर्स अ लो रिएक्टेंस पाथ टू द एम्पलीफाइड एसी सिग्नल। एसी सिग्नल मेरा कहाँ आएगा, हम लोग कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में आउटपुट कहाँ से लेते हैं, कॉमन एमिटर टर्मिनल के बीच से, मतलब यहाँ से। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो भी एम्पलीफाइड एसी सिग्नल होगा वो यहाँ से इधर से क्रॉस होगा। ठीक है, अब अगर ये कैपेसिटर नहीं रहता, इन एबसेंस ऑफ दिस कैपेसिटर द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस आरई विल फीड बैक टू द इनपुट साइड। अगर मान लो ये कैपेसिटर नहीं देते, ये वाला पोर्शन रहता ही नहीं, तो अभी क्या होता, जो एम्पलीफाइड एसी करंट है इसके थ्रू फ्लो करता, करंट आरई के थ्रू फ्लो करेगा तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे जनरेट करेगा, तो ये वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, मेरा इनपुट सर्किट इसी टाइप का होता है ना, ये वाला, ये मेरा इनपुट सर्किट है जिसका कि कल इक्वेशन भी हम लोग लिखे थे। तो अब ये वोल्टेज ड्रॉप मेरे इनपुट सर्किट में आ गया, और इनपुट कोई भी एक पर्टिकुलर लूप में क्या होता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो अब एक एक्स्ट्रा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे आ गया, यहाँ से वीसीसी जो है वो तो फिक्स है, और यहाँ पे एक ये इनपुट जो जा रहा है वो है इनपुट वोल्टेज। तो मतलब वीसीसी माइनस इनपुट वोल्टेज माइनस ये आरई के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल्स टू जीरो होगा। अब अगर आरई के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ रहा है और वीसीसी फिक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा जो इनपुट वोल्टेज है वो कम हो रहा है ना। ये चीज आया समझ में, 20 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। 20 को तो तुम चेंज नहीं कर सकते हो, तुम्हारे दो दोस्त हैं एक्स और वाई है, तुम्हारे पास 20 रुपए है, तुमको दोनों में बांटना है। ठीक है, अब वाई बोलेगा, अब वाई अगर बोलेगा कि हमको ये दो 5 रुपए दो, तो एक्स को कितना मिलेगा, 15 दे सकते हो तुम, लेकिन वाई बोलेगा नहीं हमको 10 रुपए चाहिए। तो अगर y का रुपया बढ़ाना है तो तुमको x का तो घटाना पड़ेगा ना, तो अब x को 10 ही मिलेगा क्योंकि तुम्हारे पास तो 20 रुपए ही है। सेम यही चीज यहाँ पे भी होता है कि VCC तो फिक्स है, जो फाइनल जो सोर्स है वो तो फिक्स है। ठीक है, अब उसी में से तुमको इनपुट भी देना है और उसी में से ये जो RE के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो भी होगा। तो अब मेरा जो आउटपुट करंट है, अगर वो, अगर हम CE नहीं देते हैं, अगर ये कोई CE नहीं लगाएंगे, मेरा आउटपुट करंट RE के अक्रॉस फ्लो करेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा मतलब ये वाला ज्यादा पैसा ले लिया, तो हमको अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा, मतलब इनपुट में कम वोल्टेज जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को
नहीं चाहिए, इनपुट में कम वोल्टेज जाएगा तो ऑटोमेटिकली आई भी कम होगा, आई भी कम होगा तो आई सी कम होगा, आई सी कम होगा तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो कम होगा, तो वो चीज़ हम लोग को नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग ये सी ई लगाते हैं ताकि हम लोगों को एक लो रिएक्टेंस पाथ मिल जाए। ठीक है, अब तुम लोग एक मिनट इसको देखो, हम तुरंत रिज्यूम करते हैं, एक मिनट रुक जाओ।